कोरोना के खिलाफ दो वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। अब बस वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने का इंतजार है, लेकिन टीका लगाने से पहले देखते हैं कि वैक्सीनेशन का वर्ल्ड एक्सपीरियंस क्या है। भारत में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन सक्सेसफुल रहा। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन का डबल डोज कैसे मिलेगा, इसका फुल ड्रेस रिहर्सल हो गया। 119 जिलों के 260 सेंटर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। वैक्सीन तैयार है, एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। भारत में वैक्सीन का रोल आउट प्लान कैसे काम करेगा, इसे समझने के लिए देखना जरूरी है कि दुनिया के दूसरे देशों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे चल रहा है। चलिए इसे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझते हैं। इसराइल ने 20 दिसंबर को कोरोना टीकाकरण शुरू किया और नए साल के पहले दिन तक 10 लाख लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दे दिया। 90 लाख की आबादी वाले इसराइल में करीब 12% लोगों को वैक्सीन की पहली सुई लग चुकी है। आबादी के मामले में इसराइल से करीब 36 गुना बड़े देश अमेरिका ने 14 दिसंबर को टीकाकरण शुरू किया। 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना केस वाले अमेरिका में अब तक 32 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज मिला है। परसेंटेज टर्म में देखें तो अमेरिका की अब तक 1% आबादी को भी वैक्सीन नहीं मिल पाई है। ब्रिटेन ने अमेरिका से भी पहले यानी 8 दिसंबर को ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया था। ब्रिटेन में 3 तरह के टीकों को मंजूरी मिली है। वहां अब तक 9.5 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगा है। आबादी के परसेंटेज टर्म में देखें तो ब्रिटेन ने अब तक 1.4% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज दे दिया है। कोरोना टीकाकरण शुरू करने में रूस सबसे आगे है। यहां 5 दिसंबर से ही स्पुतनिक 5 टीका लग रहा है। रूस ने अब तक 4,40,000 लोगों को इंजेक्शन लगाया है। आबादी के परसेंटेज के लिहाज से रूस में 0.30% को ही अब तक वैक्सीन लगी है। अब सवाल यह है कि इसराइल ने ऐसा क्या फॉर्मूला बनाया कि 12 दिनों के अंदर इसराइल ने 100 में से 12 लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया। सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका कहां गलती कर रहा है कि उसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्पीड नहीं पकड़ रहा। अमेरिका के बारे में कहा जा सकता है कि उसका साइज बड़ा है, लेकिन ब्रिटेन कहां चूक कर रहा है। भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुद्ध मेड इन इंडिया प्लान ही होगा, लेकिन रूट क्या होगा, क्या इसके लिए सक्सेसफुल फॉर्मूला इसराइल वाला होगा। अब देखते हैं इसराइल ने क्या किया और उसमें भारत के लिए सीखने वाली क्या बात है। इसराइल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम 24/7 चल रहा है। सुबह हो या आधी रात, इसराइल में लाइन लगाकर इंजेक्शन लगाया जा रहा है। कोरोना सेंटर पर इंतजाम ऐसे हैं कि एक साथ 60 लोगों से ज्यादा की भीड़ ना लगे। वैक्सीनेशन सेंटर को कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है ताकि फिजिकल कांटेक्ट कम से कम हो और वायरस के संपर्क में आने का खतरा भी कम से कम रहे। 4,14,000 टोटल केस, 40,000 एक्टिव केस और कोरोना से 3,338 मौत देख चुके इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने रोजाना 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। यह देश की आबादी का करीब 2% है। 1.5 लाख लोगों को एक दिन में इंजेक्शन लगाने का मतलब है 60 दिनों में सबको पहली डोज लग जाना। वैक्सीनेशन की शुरुआत के 28वें दिन सेकेंड डोज लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इस तरह मार्च 2021 के पहले इसराइल के सभी लोगों को वैक्सीन के डबल डोज लग जाएंगे। इसराइल की दिक्कत अरब आबादी को लेकर है। देश में करीब 20% अरब आबादी है जिसके मन में वैक्सीन को लेकर तरह तरह के संदेह हैं। इसराइल को अगर दुनिया में सबसे पहले कोरोना फ्री कंट्री बनना है तो करीब 18 लाख की आबादी को भी वैक्सीन का डबल डोज देना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू अरब मूल के लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से जिंदगी बचा सकता है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि इसराइल छोटा मुल्क है, हिंदुस्तान उसे मॉडल के तौर पर देख सकता है, लेकिन इसराइल का मॉडल अपना नहीं सकता। तो चलिए आकार और आबादी के लिहाज से बड़े मुल्क अमेरिका को देखते हैं और उन गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं जो अमेरिका में हो रही है। सीएनएन के हेडलाइन पर गौर कीजिए, वेस्ट वर्जीनिया में डॉक्टरों ने 42 लोगों को वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने की जगह गलती से एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दिया।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखिए, एक फार्मासिस्ट ने वैक्सीन के 500 डोज को खुले में छोड़ दिया, जिससे वैक्सीन का कोल्ड चेन टूट गया। कम से कम 60 लोगों को वो इंजेक्शन लगा दिया गया। अब उस फार्मासिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है। याहू ने एनबीसी यूनिवर्सल की खबर कोट की है। अमेरिका में प्रांतीय सरकारों को वैक्सीन रोल आउट में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ट्रंप सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारियों के लिए समय और संसाधन नहीं दिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। यहां जनवरी 2021 के आखिरी तक 10 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का टारगेट रखा गया है, लेकिन 14 दिसंबर से अब तक सिर्फ 88,000 लोगों को पहला डोज दिया जा सका। रफ्तार यही रही तो टारगेट अचीव करना नामुमकिन होगा। न्यूयॉर्क में फिलहाल करीब 125 अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स पर कोरोना का टीका लग रहा है। अब इसे बढ़ाकर 250 सेंटर किया जा रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर ने इस काम में स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट से मदद मांगी है। ये एक बड़ा प्रयास होगा। न्यूयॉर्क सिटी के इतिहास में ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा। इसके लिए बहुत कुछ करना होगा, इसमें बहुत ध्यान देना होगा। हमें फेडरल गवर्नमेंट से मदद की जरूरत होगी, हमें स्टेट गवर्नमेंट से मदद की जरूरत होगी, और हमें वैक्सीन निर्माता कंपनियों से मदद चाहिए। लेकिन हम पूरी दुनिया को ये साफ कर देना चाहते हैं कि हम जनवरी में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। हमें मदद मिलेगी, हम इसे पूरा करेंगे। हमारे पास इसे पूरा करने की पूरी क्षमता है। अमेरिका में संक्रामक बीमारियों के सबसे बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर एंटनी फासी को लगता है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत सुस्त है। ट्रंप सरकार ने हड़बड़ी में वैक्सीन प्रोग्राम रोल आउट तो कर लिया, लेकिन स्टेट और लोकल अथॉरिटीज को संसाधन नहीं दिए। अमेरिका ने पहला डोज देने के लिए किसवें दिन वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने का फैसला किया, लेकिन इसकी ट्रैकिंग कैसे होगी, इसका कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया। 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालेंगे। इस ट्रांजिशन पीरियड में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। रूस वो देश है जिसने सबसे पहले स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बेटी पर इस वैक्सीन का टेस्ट कराने का दावा किया। रूस में ही सबसे पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन अब तक सिर्फ 0.30% आबादी को ही कोरोना का टीका लगा है। वजह है भरोसे की कमी। रूसी वैक्सीन पर रूस के लोगों को भी भरोसा नहीं हो रहा। पेट्रो पावलोस कामचेस्की का ये वैक्सीनेशन सेंटर खाली है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आ रहा। स्कूल कोऑर्डिनेटर ने मुझे वैक्सीन लेने को कहा, लेकिन हम में से कई लोगों ने मना कर दिया। मुझे लगता है कि इस वैक्सीन का असर साबित नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। इस वैक्सीन को बहुत कम समय में तैयार किया गया, इसलिए इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालना या इसे लगवाना सही नहीं है। मुझे इस साल कभी कोरोना नहीं हुआ, मेरे जानने वालों में से कोई भी बीमार नहीं पड़ा, मैं बीमार नहीं पड़ी, ना ही मेरे सोशल सर्कल में कभी किसी की तबीयत खराब हुई, इसलिए मेरे लिए कोविड-19 के बारे में कुछ बोलना सही नहीं है। लेकिन इस वैक्सीन के बारे में कुछ चीजें अजीब हैं, जिनका मैं अपने ऊपर कोई प्रयोग नहीं करना चाहती। रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन लगाने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद शराब नहीं पीने का ऑर्डर जारी किया है। ये भी एक वजह है कि लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे। WHO ने सिर्फ फाइजर को ओके किया है। WHO की हरी झंडी उन देशों के लिए अहम है जहां अपना ड्रग कंट्रोलर नहीं है। भारत जैसे देश में ड्रग कंट्रोल का अपना मैकेनिज्म है, इसलिए WHO का ऑर्डर मानना हमारे लिए मजबूरी नहीं है। भारत में नियम वही चलेगा जो हमारी अपनी सरकार बनाएगी। कोविड के दौरान देश ने PPE किट का, मास्क का, वेंटिलेटर का परमानेंट सॉल्यूशन निकाल दिया है। साथियों, हमारे यहां एक परंपरा बन गई थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए शॉर्ट टर्म अप्रोच अपनाई जाए। देश अब उस सोच से बाहर निकल गया है। अब हमारा जोर तत्कालिक जरूरतों से भी आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पर है। वैक्सीन के मामले में हम संभल कर चल रहे हैं। हम अमेरिका जैसी हड़बड़ी नहीं कर रहे, रूस जैसा अनटेस्टेड वैक्सीन नहीं लगा रहे, जिस पर उसके अपने लोगों का भी भरोसा नहीं बन रहा। हम इजराइल मॉडल को भी देख रहे हैं, लेकिन उसको कॉपी नहीं कर रहे। वैक्सीनेशन की हड़बड़ी में गड़बड़ी का खतरा है। हड़बड़ी में लॉकडाउन तो लगाया जा सकता है, वैक्सीन का इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। मोदी सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि सवाल लोगों की जान का है। इतनी सावधानियों के बाद भी टीका पर सियासी टोका टोकी शुरू हो चुकी है।
कोरोना का वैक्सीन का आज ड्राई रन शुरू हो गया, तो क्या आप समाजवादी पार्टी आप अपनी तरफ से मानते हैं कि लोगों को वैक्सीन? देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। भला किसने सोचा था जान बचाने जैसे शुभ कार्य पर भी इस तरह से सियासत होगी? अखिलेश यादव ने जो शुरुआत की है उससे एक खतरनाक सिलसिला निकल सकता है। तो देश में कोरोना वैक्सीन पर भले ही सियासत शुरू हो गई हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की है। वैक्सीन की मंजूरी के बाद क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।